नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर और हमारे इस सेशन में। मैं दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये सेशन 2022 के इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर मैं हाजिर हूँ आपके लिए सेशन में। आपके सभी बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा, मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पर। इस समय मैं दोस्तों आज के लिए केवल ऑफर आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफर केवल आज के लिए ही है आपके लिए। इस ऑफर को आज आप फटाफट इसका फायदा उठा लीजिए। 20% का ऑफ तो चल ही रहा है, साथ साथ में इस 20% ऑफ के साथ एक्सटेंशन ऑफर भी जुड़ गया है। बस ध्यान रखिए ये कोड यूज करना है आपको। कौन सा कोड यूज करना है? BPM10 कोड इस्तेमाल करना है। अब जो एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों इस एक्सटेंशन ऑफर के साथ अगर टोटल सेविंग देख लिया जाए तो 53% की आपके पास ये बचत होगी। अब समझिएगा, जैसे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस कैटेगरी का है मेरे दोस्तों, उसमें 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। करंट प्राइस 8999 की है ये मेरे दोस्तों, टोटल वैल्यू थी, बट आपको जो पेमेंट करनी है वो मात्र 7199 करनी है। मतलब 24.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 7199 का है। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ का एक्सटेंशन है, आपको बस इतना ही पेमेंट करना है। 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ मेरे दोस्तों आपको मात्र 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है और जो पेमेंट करनी है 5039 की है। तो आपके लिए सेम मेरे दोस्तों यही आइकॉनिक में भी ऑफर्स यही है। 6 मंथ का एक्सटेंशन 24 मंथ के साथ है, 3 मंथ का एक्सटेंशन 12 के साथ है और 6 महीने का एक्सटेंशन 1 मंथ के साथ है। बस आपको ध्यान रखना है, इस कोड का यूज करना है BPM10। इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। आज रात को 11:59 पर मेरे दोस्तों ये ऑफर खत्म हो जाएगा। टॉप एडमिटेड टॉप बैचेस के साथ मेरे दोस्तों नए बैचेस शुरू हो चुके हैं 28 जुलाई, यानी कल से जुलाई 28 से मेरे दोस्तों ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट इन बैचेस में अपने आपको एनरोल करिए। ये बैचेस आपके सभी बैंक एग्जाम की नजर से इंपॉर्टेंट है। आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के बैच में। सुबह 11 बजे आता है ये बैच 11 AM पर। हमारे साथ ही धांसु एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के। आप इन सभी के साथ जुड़कर इन सभी के बैचेस को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश बच्चों की दिक्कत है, प्री एग्जाम्स लाइनअप हैं। इस दिक्कत को सुलझाने के लिए और टेस्ट सीरीज आपके लिए हाजिर कर दी गई जुलाई 27 से 6 बजे शाम को। एनरोल करिए इस कोड के साथ। T20 टेस्ट सीरीज में दोस्तों आज समाप्त हो रही है और बैंक एग्जाम आइकॉनिक प्राइसेस में दोस्तों आपके लिए आज रात से हाइक हो जाएंगे। कोड यूज करिए BPM10। आइकॉनिक में फायदा क्या है आपको? प्रायोरिटी मिलती है डाउट सॉल्विंग में, लाइव क्लासेस में, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है। ये सब चीज़ें मेरे दोस्तों आपको आइकॉनिक में मिलती हैं। साथ साथ में रेज हैंड फैसिलिटी में भी आपको प्रायोरिटी मिलती है और डाउट सॉल्विंग में भी। प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी आपको स्टार्टिंग में दे चुके हैं। BPM10 कोड का इस्तेमाल करिए, ऑफर का फायदा उठाइए। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है मेरे दोस्तों उसके साथ 6 मंथ का एक्सटेंशन है, 12 मंथ के साथ 3 मंथ का एक्सटेंशन है और 6 मंथ के साथ 1 मंथ का एक्सटेंशन चल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी सेम ऑफर चल रहा है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन साथ में, 3 मंथ का एक्सटेंशन 1 ईयर के साथ में और 1 ईयर का एक्सटेंशन जो है आपका 6 मंथ के साथ में। पहली रिपोर्ट आपके सामने, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की जब चर्चाएं करते हैं तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ पर सवाल, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है? इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है मेरे दोस्तों इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोगनी टाउन में है। इसका हेडक्वार्टर भी कोलोगनी में है। 1971 की स्थापना है। रिस्क रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में क्या क्या बड़े रिस्क हो सकते हैं, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइबर सिक्योरिटी, पैंडमिक जैसे मुद्दे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ह्यूमन राइट काउंसिल, UNCTAD और WTO, इन सभी के मुख्यालय जेनेवा में है, लेकिन स्विफ्ट जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों जेनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। ठीक है भाई, ब्रुसेल्स में ही नाटो का मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगला सवाल, एक और रिपोर्ट चर्चाओं में रहती है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस। रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस में दोस्तों ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को कौन सी संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO। तो वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है? आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है रफ्तार के साथ आंसर कर दीजिए। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में एपेक्स बॉडी मानी जाती है बैंकिंग क्षेत्र की। इसे सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स बैंक
और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के नाम से भी आप जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इस समय 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास साहब हैं और कुल 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। अब अगला सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मेरे दोस्तों आपको बताना है ये किस दिन मनाया जाता है। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। जब हम इस इंडेक्स की चर्चा करते हैं तो इस इंडेक्स की शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई को मेरे दोस्तों इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, 3 मई को। अब अगले सवाल की बात करें हम, 3 मई के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन एक इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है और वो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स को मेरे दोस्तों एक संस्था रिलीज करती है, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, जिसे फ्रेंच लैंग्वेज में शॉर्ट में RSF के नाम से भी जानते हैं। यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जो कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पर है। तो मेरे दोस्तों इस इंडेक्स में नंबर 1 पायदान पर नॉर्वे है। नॉर्वे लगातार पिछले 3 वर्षों से नंबर 1 पायदान पर बना हुआ है। दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर एस्टोनिया और पांचवे पर फिनलैंड। ये जो आपको 5 ऑप्शन देख रहे हैं टॉप 5 कंट्रीज हैं जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पर। मेरे दोस्तों प्रेस से संबंधित जब हम बात करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी है जिसका नाम पुलित्जर प्राइज है, ध्यान रखिएगा। जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ अवार्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन प्रीवियस ईयर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, यानी कि इस इंडेक्स में पिछले वर्ष की भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है। इस वर्ष की भारत की रैंकिंग तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पिछले वर्ष के भी बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी एग्जाम में पूछ लिया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग में कितनी गिरावट दर्ज की गई है, अगर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों 142 रैंकिंग थी 2021 में भारत की, 2021 में भारत की रैंकिंग 142 थी। 2022 में मेरे दोस्तों भारत की रैंकिंग 150 हो गई है। भारत को जो कुल नुकसान पहुंचा है वो हुआ है 8 अंकों का, 8 अंकों का भारत को नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल या निशान उठा है, लेकिन कई दूसरे बड़े ऐसे देश हैं जो कि भारत से भी पीछे चल रहे हैं, जैसे रशिया, बात करते हैं रशिया की, चाइना की, मेरे दोस्तों ये देश भारत से काफी पीछे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है जिसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 यानी कि सबसे लास्ट पोजीशन किस कंट्री की है। तो RSF का मुख्यालय में दोस्तों पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस में, और वो कंट्री जो सबसे निचले पायदान पर है, सबसे बॉटम पर मेरे दोस्तों, उसकी जब चर्चाएं की जाती हैं तो उस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सबसे बॉटम पर है, नॉर्थ कोरिया सबसे निचले पायदान पर, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, एक और इंडेक्स, एक और रिपोर्ट जो कि खुशहाली से संबंधित है। अभी हम पहले पढ़ रहे थे प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित, अब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की जब चर्चाएं करते हैं तो खुशहाली से संबंधित ये इंडेक्स है। ये दिन कब मनाया जाता है? तो ये दिन 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, 20 मार्च को। पहला सवाल तो आपके लिए है। अब एक रिपोर्ट आती है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? देखिए इंडेक्स कोई दिन, उससे संबंधित कोई दिन है, संस्था जो कि इसे रिलीज करती है, भारत की रैंकिंग नंबर 1 पायदान पर कौन है, और इस प्रकार के इंडेक्सेस की ये 5 बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 पर संस्था का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये वो संस्था है जिसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, SDSN, SDSN, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, वर्ल्ड बैंक, IMF, दोनों के मुख्यालय Washington DC में है, वकैली साइमंड्स का मुख्यालय लंदन में है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करता है, IEG सोसाइटी में दोस्तों भारत में स्थित इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में मेरे दोस्तों भारत की रैंकिंग 136 है, 136 है,
लेकिन अगर पिछले वर्ष के बारे में पूछा जाए तो 2021 भारत की रैंकिंग है। सवाल ये बनता है कि इस रिपोर्ट में नंबर वन पर कौन सा कंट्री है, तो नंबर वन पर दोस्तों मेरे फिनलैंड है। फिनलैंड, फिनलैंड की जब चर्चाएं करते हैं तो एक यूरोपियन कंट्री है, हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल सिटी है और करेंसी यूरो ही है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री, समझेगा इस चीज को, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, वो भी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, यहां पर नाम है उनका सना मरीन। सना मरीन चर्चाओं में रहती हैं, सना मरीन। आगे बढ़े, 140वीं रैंकिंग ग्लोबल रिस्क, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2021 में थी, और 142वीं की जब चर्चाएं करते हैं, 142 की जब बात करते हैं दोस्तों, तो 142वीं रैंकिंग जो है वो 2021 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में थी। हम बात करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट की, और वो रिपोर्ट रिफ्यूजी से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये वो संस्था है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा फंडेड है, और विश्व में विस्थापन से संबंधित जो भी संकट है उस संकट से संबंधित रिपोर्ट्स को पेश करती है, जानकारी देती है, लोगों की मदद करती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों जनेवा में है। जनेवा में यूएससीआर का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का मुख्यालय जनेवा में है। आगे बढ़े, एक रिपोर्ट है, इसका नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती है? अब देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन आएंगे। ट्रेंड्स से मतलब क्या है यहाँ पर? तो मैं दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है ये रिफ्यूजी संकट से संबंधित मुद्दों पर ही आपको जानकारी प्रदान कर रही है। तो इसे जारी करने वाली संस्था यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, यानी कि UNHCR ही वो संस्था है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट याद रखिएगा मेरे दोस्तों, UNHCR, मुख्यालय जेनेवा में है इसका। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बताई गई, और बताया गया कि विश्व में जो टोटल पॉपुलेशन है जो कि रिफ्यूजी संकट झेल रही है, उसमें 51% पॉपुलेशन बच्चों की है, और जो सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जो कि आने वाला भविष्य है, और भविष्य जब अधर में हो तो आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। इस दिन को 2001 से मनाए जाने की शुरुआत की गई है, और इस बार का जो थीम है, हूएवर व्हाटएवर व्हेनएवर, दोस्तों ये थीम रखा गया है इस बार का, एवरीवन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी। अगला सवाल, SDG, आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत सुन रहे होंगे आजकल, सस्टेनेबल गोल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन के ये गोल्स हैं 17 गोल्स, जिनको 2030 तक अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत 193 कंट्रीज जो हैं मेरे दोस्तों, इन 193 नेशंस मेंबर जो हैं, इनके स्टेटस को एक तरह से मेजर किया जा रहा है कि इन गोल्स को अचीव करने में वो कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, और उसी के आधार पर, अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है SDG रिपोर्ट। अब पूछा जाएगा कि इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में नंबर वन पर कौन सा कंट्री है? तो SDG रिपोर्ट मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में नंबर एक पायदान पर जो कंट्री है उसका नाम है फिनलैंड। अब देखिएगा, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था वही है जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया, यानी कि SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो फिनलैंड उसमें भी नंबर एक पर है, फिनलैंड इसमें भी नंबर एक पर है। तो फिनलैंड से संबंधित कुछ बेसिक बातें आपको पता चल गई हैं, कैपिटल सिटी हेलसिंकी, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री सना मरीन है, कैपिटल सिटी हेलसिंकी है, SDG रिपोर्ट और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये देश नंबर एक पायदान पर है। ठीक है बच्चों, बाकी अगर बात करें SDG रिपोर्ट में दूसरे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो टॉप 5 में हैं, तो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, ये कंट्रीज मेरे दोस्तों नंबर बोल सकते हैं कि ये टॉप में है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इट इज पब्लिश बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो 2022 में भारत की रैंकिंग 121 है, 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज, मतलब कहने के लिए तो 193 कंट्रीज हैं लेकिन 163 देशों की ही रैंकिंग को जारी किया गया है, बाकी अलग अलग क्राइटेरिया के तहत इस रैंकिंग में शामिल नहीं हो पाए। 2020 में भारत की रैंकिंग में दोस्तों 117 थी, और 2021 में भारत की रैंकिंग 120। अब समझिएगा,
पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंकिंग एसडीजी रिपोर्ट में खिसकी है, एक अंक और गिर गई है। एक और इंडेक्स बहुत ही चर्चाओं में है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। जब इस इंडेक्स की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ये इंडेक्स विश्व में सबसे योग्य शहर जो रहने योग्य है उसके बारे में बताता है। इसको जारी किया जाता है दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 EIU के द्वारा जारी किया गया है। पहला सवाल, EIU का मुख्यालय कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय मेरे दोस्तों लंदन में है। इसी के द्वारा सेफ सिटी इंडेक्स भी जारी किया जाता है। अब इस इंडेक्स में भारत के कुल कितने शहर हैं? तो भारत के 5 शहर हैं, लेकिन भारत के उन 5 शहरों में से नंबर 1 सिटी कौन सा है इस इंडेक्स के अनुसार? तो वो शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली 140 रैंक के साथ नंबर 1 पायदान। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पर मुंबई, तीसरे पर चेन्नई, चौथे पर अहमदाबाद और पांचवें पर बेंगलुरु। मतलब ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे वर्स्ट पोजीशन बेंगलुरु की बताई गई है, भारत में 5 शहरों के हिसाब से। अब बात करते हैं उस शहर की जो कि विश्व में नंबर 1 पर है, यानी कि उस सिटी के बारे में जो कि नंबर 1 पायदान पर है विश्व में एज पर EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो शहर का नाम है वियना। वियना मेरे दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है वियना। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की जब चर्चाएं की जाती हैं तो ये एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। यूरो यहाँ पर करेंसी है। वियना में मेरे दोस्तों कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय भी हैं, जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और साथ साथ में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC, इनके मुख्यालय में दोस्तों वियना में ही है। तो एक साथ कई दूसरी बातें भी आपको जानने को मिल रही हैं। इस प्रकार के सेशंस को वॉच करने के लिए मेरे दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और साथ साथ में लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर आपको सुबह ये सेशन मिलता है मॉर्निंग 9:15 पर, और बैंक प्रो चैनल पर मिलता है आपको एक ऐसे ही यूट्यूब सेशन जो कि मॉक टेस्ट है, और वो सेशन मेरे दोस्तों शाम को 7 बजे आता है। तो इन सभी सेशन में आप जुड़ सकते हैं। अगली खबर की बात करें, वो कौन सा भारतीय शहर है जो कि इस इंडेक्स में शामिल ही नहीं है? अब देखिए, इस प्रकार के सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। तो 173 देशों में भारत के 5 शहर हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, और उन 5 शहरों में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है? वो है पुणे। पुणे इस इंडेक्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। दिल्ली 140वीं रैंक है, नंबर 1 पर है, और सबसे वर्स्ट रैंकिंग बेंगलोर की बताई गई है। देखिए, यहाँ पर यूरोप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार, यहाँ पर एक गलती से सही कर लेते हैं, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत के कुल 5 शहर हैं 173 शहरों में इस रैंकिंग में, जिसमें सबसे नंबर 1 पर दिल्ली है 140वें पर, मुंबई 141, चेन्नई 142, अहमदाबाद 143 और बेंगलुरु 146 रैंकिंग में। आगे एक और इंडेक्स जो कि भारत में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में जानकारी देता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसमें 2022 के रैंकिंग के अनुसार कौन सा शहर नंबर 1 पर है? तो वो है मेरे दोस्तों बेंगलुरु। अब समझिएगा, दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। लेकिन जब आप ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये इंडेक्स भारत में जो भारत के शहर हैं उसके बारे में लॉन्च किया गया, सबसे योग्य शहर कौन सा रहने के लिए, तो वो बेंगलुरु बताया गया है इस इंडेक्स के अनुसार। पिछले वर्ष भी बेंगलुरु नंबर 1 पर था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 ये किस संस्था या फिर मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? इस इंडेक्स को कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करता है? नीति आयोग, पब्लिक अफेयर सेंटर, NSO, महुआ, MSME मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय है? फटाफट आंसर करिए, सही जवाब बता दीजिए। तो मेरे दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करने वाला जो मंत्रालय है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये वो मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, ये वो मंत्रालय है जिसके द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है। अब
पहले नंबर पर कौन सा शहर है इसके बारे में आपको पता चल चुका है, वो है बेंगलुरु। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय किसके पास है, ये सवाल बन सकता है। हरदीप सिंह पुरी इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, और हरदीप सिंह पुरी के पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जो है मेरे दोस्तों, ये मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी के पास ही है। प्रहलाद जोशी कोल एंड माइन संभाल रहे हैं, प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जल शक्ति का संभाल रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास केंद्रीय मंत्रालय है जल शक्ति का, गिरिराज सिंह पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं। एक और इंडेक्स जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी से संबंधित है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसे 2013 में लागू किया गया या लाया गया, 2014 में वो लागू हुआ, लेकिन 2014 में सरकार बदल गई, जो नई सरकार आई वो एनडीए की थी, उसके द्वारा इस नियम को, इस कानून को लागू किया गया। और ये कानून मेरे दोस्तों देश में 60% पॉपुलेशन को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसके सही इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए एक रैंकिंग जारी की गई है, और उस रैंकिंग में वो कौन सा राज्य है जो कि नंबर एक पायदान पर है आपको ये बताना है। तो मेरे दोस्तों नंबर एक पर जो राज्य है वो है उड़ीसा, उड़ीसा इज ऑन टॉप, उड़ीसा नंबर एक पायदान पर बताया गया है, उड़ीसा नंबर एक पर है। याद रखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को सही तरह से इंप्लीमेंट करने से संबंधित एक रैंकिंग जारी की गई, और इस रैंकिंग में नंबर एक पर उड़ीसा रहा। उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक हैं। गवर्नर की जब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर गवर्नर गणेशी लाल है। एक और इंडेक्स है जिसमें उड़ीसा नंबर एक पायदान पर है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको जरूर, लेकिन बढ़ते हैं पहले आगे। तो बड़े राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि बड़े स्टेट्स और यूटीज में उड़ीसा नंबर एक पर है, और छोटे राज्यों में और यूटीज में मेरे दोस्तों त्रिपुरा नंबर एक पर है। ध्यान रखिएगा, छोटे राज्यों में और यूटीज में त्रिपुरा नंबर एक पर है। एग्जाम में कई इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरीज के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके पास है, ये मंत्रालय में दोस्तों पीयूष गोयल के पास है, पीयूष गोयल के पास है, ध्यान रखिएगा। तो ये मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। आगे बढ़े, पीयूष गोयल के पास मेरे दोस्तों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय भी है। प्रहलाद सिंह पटेल की जब चर्चाएं करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संभाल रहे हैं, जल शक्ति का बता चुके हैं। पशुपति कुमार पारस फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है इनके पास, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है। हरदीप सिंह पुरी के पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर पेट्रोलियम नेचुरल गैस है। गिरिराज सिंह के पास पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट है। एक और इंडेक्स जो कि डिफेंस से संबंधित है, मैं दोस्तों नाम है उस संस्था का जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अनुसार वो कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा मैं दोस्तों सैन्य खर्च करने वाला देश है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है, तो वह है अमेरिका। सबसे ज़्यादा टेंशन अमेरिका को ही, सबसे ज़्यादा खर्च अमेरिका ही कर रहा है। दूसरा देश चाइना है सेकेंड नंबर पर चाइना है, और थर्ड नंबर पर कौन सा है दोस्तों, इंडिया है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो टोटल खर्चा किया गया है सेना पर, सैन्य खर्चा जो है वो $2.1 trillion है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। लगातार ये खर्चा बढ़ते जा रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखने वाली बात है कि 2020-21 में दोस्तों COVID-19 की भीड़ चढ़ गया था, किसी को कोई टेंशन नहीं थी, सब अपने देश को बचाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन सैन्य खर्चा लगातार बढ़ता गया है। सिप्री के द्वारा कई दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं जो कि डिफेंस से संबंधित हैं, वो भी जारी की जाती हैं। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन की कैपिटल सिटी है। स्वीडन की जब चर्चाएं करते हैं मैं दोस्तों, तो स्वीडन पहली बार किसी फीमेल को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है, नाम है उनका मैग्डालेना एंडरसन। अगला सवाल, एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है, यूनिसेफ, UNFPA, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को। करेक्ट आंसर क्या है, यूनिसेफ, UNFPA, यहाँ पर सही जवाब है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA इज द करेक्ट आंसर। अब सवाल ये बनेगा कि इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो संस्था है इसका मुख्यालय पूछा जाएगा आपसे। मुख्यालय इसका मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क में ही है,
न्यूयॉर्क में ही है, अभी हाल में ही 11 जुलाई को, 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया 11 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन विश्व जनसंख्या दिवस होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें थीम क्या था, वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन पीपल। अगला सवाल, मैंने बोला था कि एक और सवाल पूछूंगा जो कि किसी एक स्टेट से संबंधित होगा। नेशनल एमएसएमई अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इन एमएसएमई सेक्टर, ये दिए गए एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। इस कैटेगरी में पहला प्राइज किस राज्य को दिया गया, फर्स्ट प्राइज कौन से स्टेट ने जीता है? तो मेरे दोस्तों फर्स्ट प्राइज जीतने वाला स्टेट उड़ीसा है। उड़ीसा में दोस्तों पहला प्राइज जीतने वाला राज्य है, फर्स्ट प्राइज जीतने वाला राज्य उड़ीसा है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे एनएफएसए रैंकिंग में भी नंबर एक पायदान पर है। तो उड़ीसा सरकार को फर्स्ट प्राइज प्रोवाइड किया गया है नेशनल एमएसएमई अवार्ड के तहत, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन प्रमोशन डेवलपमेंट इन एमएसएमई सेक्टर। और उड़ीसा का ही कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है जिसे एस्पिरेशनल कैटेगरी में तीसरा अवार्ड भी दिया गया, थर्ड प्राइज भी दिया गया। एमएसएमई डे में दोस्तों 27 जून को होता है, 27th ऑफ जून को एमएसएमई डे ऑब्जर्व किया जाता है। हु इज द प्रेजेंट एमएसएमई मिनिस्टर, इस समय एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है, ये मंत्रालय नारायण राणे के पास ये मंत्रालय है। अगला सवाल मेरे दोस्तों, एक और रैंकिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसे एडुकेशन मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 2022 की, इसको एडुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया, एडुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें नंबर एक पर इंस्टीट्यूट कौन सा है, वो है आईआईटी मद्रास। तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास लगातार 4 वर्षों से नंबर एक पर है। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में यानी कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में दोस्तों 7 वर्षों से लगातार नंबर एक पायदान पर बना हुआ है। इस समय एडुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। एनएफएसए पे हम चर्चा कर चुके हैं, एनएफएसए एक्ट जो है, इस एक्ट को सही तरह से इंप्लीमेंट करने वाली रैंकिंग में उड़ीसा नंबर एक पायदान पर है। अभी हाल में ही एक इंस्टीट्यूट जिसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल तैयार किया है, इसको नाम दिया गया है पाइवोट। इसका काम है कैंसर को डिटेक्ट करने का। इसको कौन से आईआईटी के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप किया गया है, तो वो आईआईटी मद्रास है। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि देश का पहला व्हीलचेयर बेस्ड व्हीकल, इसे भी आईआईटी मद्रास के द्वारा जारी किया गया था, उसका नाम था ई बोल्ट। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों ये सारी खबरें आपके लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये सारी बातें हैं मेरे दोस्तों आपके एग्जाम की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो आपके लिए एक बार इस ऑफर को फिर से मैं दोहरा दूं, 20% का ऑफ चल रहा है, 20% का ऑफ चल रहा है सभी बैंक सब्सक्रिप्शंस पर। तो इन ऑफर का फ़ायदा उठाइए। 29 जुलाई आज आखिरी दिन है इस ऑफर से अपने आप को जोड़ने का अनअकैडमी से। लेकिन साथ साथ में इसमें एक्सटेंशन ऑफर भी ऐड हो गया है, मतलब 20% के ऑफ के साथ साथ में आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ये कोड याद रखिएगा BPM10, इस कोड का इस्तेमाल करिएगा। अनलॉक मेरे दोस्तों करिए इस ऑफर को 29 जुलाई रात को 11:59 से पहले। 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 6 मंथ का एक्सटेंशन है, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ का एक्सटेंशन है, 6 मंथ के एक्सटेंशन पर 1 मंथ का एक्सटेंशन है। यानी कि ओवरऑल जो सेविंग मिलेगी वो 53% की मिलेगी आपको, समझिए कैसे, लगभग मान लीजिए 47% का ऑफ टोटल मिल रहा है। यानी कि 24 मंथ का प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 7199 में मिल रहा है, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ के एक्सटेंशन के साथ 5999 में मिल रहा है। 6 मंथ का एक्सटेंशन आपको 1 मंथ के एक्सटेंशन के साथ 5039 में मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों आइकॉनिक ये सब्सक्रिप्शन सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस, प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रायोरिटी इन रेज हैंड, ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो 8399 में 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन 719 में है, और 6 मंथ में दोस्तों 5919 में मिल रहा है आपको, प्लस 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। बस दिमाग में एक चीज़ रखिए, कोड क्या है BPM10, इस कोड का इस्तेमाल करिए। तो मेरे दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, GA/Bhaskar सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल करिए अपने आप को हमारे साथ जोड़ने के लिए।
साथ साथ में जितने भी लाइव सेशन आते हैं, स्पेशल क्लास, प्लस क्लास और यूट्यूब क्लासेस, इसकी जानकारी भी यहाँ पर मिलती है। ये मेरा कोड है BPM10, इस कोड का इस्तेमाल करिए, 20% का ऑफ पाइए। तो मेरे दोस्तों, अनअकैडमी के साथ जुड़ने का बहुत ही अच्छा मौका है, आज आखिरी दिन है, फायदे को उठा लीजिए और अपने गोल को क्रैक करिए लेट्स क्रैक इट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।